मसीही वो है जो व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु को जानता है और उसके साथ उसका संबंध है। मसीही वो है जिसने फैसला किया है मसीह को अपने जीवन में लेने का और उसके पीछे चलने का। चाहे कुछ भी हो, आपने उसे स्वीकार किया है, आपने अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया है। अब सबसे पहली बात कि मसीही वो है जिसने चुनाव किया है, फैसला किया है, आपने फैसला किया है जीवित खुदा को अपने जीवन में लेने का। आपने मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है और ये पहला कदम है मसीही में आने का। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने पश्चाताप किया है, जब आपने ये माना है कि आप गुनहगार हैं, जब आपने कहा है कि खुदा मैं अपने गुनाहों से मुड़ने के लिए तैयार हूं, और फिर विश्वास के साथ आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया? और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत से लोग हैं जो मसीह जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मसीह उनके दिल में नहीं है, क्योंकि मसीह वो है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उस समय आपको पवित्र आत्मा मिलता है जो आपको एक नया स्वभाव देता है, नया जीवन देता है, और फिर आपको मिलती है ताकत मसीही जीवन जीने के लिए। अब कोई भी मसीही जीवन नहीं जी सकता है जब तक वह क्रूस के पास नहीं आया है और प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है। मसीही सलीब पर हमारे लिए बलिदान हुआ, उसने अपना लहू हमारी खातिर दिया, और अब आपको आना है और उस लहू को यीशु मसीह को स्वीकार करना अपने जीवन में, और अपनी इच्छा से कहना है कि हाँ, मैं अपनी इच्छा से यीशु मसीह को स्वीकार करूंगा, मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दूंगा। और फिर इसके बाद कुछ और होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है, और वो दूसरी बात है कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। बाइबल बताती है कि पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई हैं। एक बदलाव आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। आपके व्यवहार में बदलाव, परमेश्वर के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव। सबसे ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, पहला स्थान आप परमेश्वर को देंगे अपने जिंदगी के फैसलों में और चुनावों में। अपने प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। आपके जीवन में सबसे पहले स्वार्थ खत्म होगा, आप अब स्वार्थी नहीं रहे, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए और अपने मतलब के लिए। अपने पड़ोसी के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना होगा, और इसलिए आपके जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं। और अगर आपके जीवन में बदलाव का कोई निशान नहीं है तो अच्छा होगा कि आप अपने जीवन को परखें कि क्या आप सच में मसीह हैं या नहीं। अगर आपका जीवन नहीं बदला है, अगर आपके जीवन से वो फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं जो आपके जीवन में होने चाहिए थे पवित्र आत्मा मिलने से, तो भला होगा कि आप विचार करें कि आपने सच में मसीह को पाया है या नहीं, क्योंकि खुदा की संतान के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा कि उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। उनके फलों से, ये फल क्या हैं? और पवित्र आत्मा के फल ये हैं, प्रेम, शांति, आनंद, और ये सब। क्या आप मसीही जीवन जी रहे हैं? क्या आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम कर लिया है? और क्या आपके जीने के तरीके में, आपके व्यवहार में कोई बदलाव आया है? और अगर नहीं, तो हो सकता है कि आप मसीही नहीं हैं। आप शायद सोचें कि आप मसीही हैं लेकिन आप नहीं हैं, क्योंकि मसीह वो है जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है और एक बदलाव उसके जीवन में अब दिखाई देता है। अब तीसरी बात, मसीही वो है जिसने अपने जीवन में एक चुनौती को स्वीकार किया है। चुनौती प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वे अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर आप मेरी चुनौती स्वीकार करने और मेरे लिए जीने के लिए तैयार नहीं है तो आप मेरे चेले नहीं हो सकते हैं। जब कभी भी भीड़ यीशु के आसपास इकट्ठी होती थी और भीड़ बहुत बड़ी हो जाती थी तो प्रभु यीशु कहते थे एक मिनट रुकिए। वो कहते कि अगर आप मेरे पीछे होना चाहते तो आपको अपने आप का इनकार करना होगा, और एक ग्रुप छोड़ के चला जाता। और अगर फिर भी भीड़ ज्यादा होती तो वो फिर कहते कि अगर आप मेरे पीछे होना चाहते हैं तो अपनी क्रूस को उठाओ और हर रोज मेरे पीछे हो। और बचे हुए लोग ये सुन के भाग जाते थे क्योंकि वह सलीब उठाने के लिए तैयार नहीं थे, वो फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार नहीं थे। और प्रभु यीशु कहते थे कि अगर आपको मेरे पीछे चलना है तो आपको इस सलीब को उठाना होगा, फांसी के फंदे को अपने गले में लेकर चलना होगा, एक कफन सर पे बांध के चलना होगा। और बहुत लोग ये सब करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत से लोग सुसमाचार के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यकीन है कि आप मसीही हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं? क्या आपको विश्वास है कि अगर आप मर गए तो आप स्वर्ग में जाएंगे? क्या आप खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं? सारी बातों का निचोड़ मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आप मसीही हैं? क्या इसका आपको पक्का विश्वास है? देर मत करिए, आज रात अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें।
ठीक है, इसे कहते हैं मसीही। मसीही आपके जीवन में रह रहा है और व्यक्तिगत रूप में उसका अनुभव करना, और जिसके जीवन में बदलाव है वो मसीही है।